أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسلي والخاتمة لأوصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاعة في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم سلام اخلاق الإسلامي کو اختیار کرنے کے ٹائم کم ہے میں جلدی سے مجلس شروع کروں گے. अखलाक इस्लामी को इख्तियार करने के लिए अगर हमारी नीयत कुरबतन इल्लाह हो अगर हम अल्लाह की कुरबत को अपनाना चाहते हों हम वाकई में इस चीज़ में हों कि हमें खुदा मिल जाए तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें अल्लाह की मारिफत हो जितनी ज़्यादा उस अल्लाह की मारिफत और बिलखसूस उसकी मोहब्बत होगी उतनी ज़्यादा उसको उस अल्लाह को हासिल करने की अर्ज़ होगी जितना ज़्यादा आपके अंदर उस ख़ुदा के एट्रीब्यूट्स को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा जो तकर्रब जो अल्लाह की क्लोजनेस की एक थर्स्ट या कोई हंगर है वो बढ़ती चली जाएगी इमाम ज़ैन अलाब्दीन शहीफ़ सज्जादी शहीफ़ सजादिया में क्या फ़रमाते इलाही अनामिन हब्ब का जाय्लाशबा वम आनल्ला और परदिगार मैं तेरी मोहब्बत का ऐसा भूखा हूँ जिसका पेट भरता ही नहीं जितना खिला दो उसका पेट नहीं भरता वम आनल्ला और इतना प्यासा हूँ कितना पानी पिलाना है पिला दो अल्लाह की मोहब्बत के पानी से सैराब नहीं होता क्यों क्योंकि वो खुदा की मारफ़त ज़्यादा रखते थे इसलिए अल्लाह के नज़दीक आने का जो एक जज्बा है वो बढ़ता चला गया दूसरी जगह अमीर अलमिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं तो कहते हैं इलाही मंजल लजीज़ा का हिलावत मोहब्बत फ़राममिन का बदला कौन है जिसने तेरी मोहब्बत का मज़ा चखा और उसको इसके अलावा कुछ और चाहिए यानी जो कुछ चाहिए है सबसे पहली और आखिरी जो डिज़ायर है वो यही है कि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए उसकी जितनी ज़्यादा तलब मैं और आप अपने अंदर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर करज होगी कि हम अपने आप को या अल्लाह को हासिल करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल कर सकें और यही वजह है कि उस ख़ुदा ने इस दुनिया को जो बनाया है इस दुनिया की जो खिलकत रखी है एक चीज के ऊपर आप जानते हैं अल्लाह ने आपको क्यों बनाया इबादत के लिए और इबादत के लिए जिस खुदा ने इतने सारे इंसान चरंद पर सहरा समंदर दरिया शजर हजर ये सब कुछ जो बनाया है ये किस लिए बनाया है क्योंकि उसने नूर मोहम्मद से मोहब्बत की थी मोहब्बत थी कि मैं और आप ज़मीन और आसमान पैदा हुए कं तो कंजीन मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था अल्लाह था एक छुपा हुआ ख़जाना एक ट्रेजर था जो हिडन था फिर अल्लाह ने क्या कहा तो बस मेरे दिल में ये ख़याल या ये मोहब्बत पैदा हुई अनारफ कि मुझे पहचाना जाए मोहब्बत था मोहब्बत थी कि ज़मीन और आसमान के लिए अल्लाह ने नूर मोहम्मद वाल मोहम्मद की बदौलत ये तमाम चीज़ें खल की हैं अगर मोहब्बत ना होती तो खुदा ज़मीन और आसमान ना बनाता अगर मोहब्बत तो ना होती मुँण अगर मोहब्बत ना होती तो कोई भी चीज़ खल्क़ ना होती यानी एग्जिस्टेंस जो है मेरी और आपकी अल्लाह की, की मोहब्बत की निशानी है। ये इस बात का साइन है कि वो चाहता है कि हम हों ये उसने मेरे और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि हमें एग्जिस्टेंस दी है हमें हस्ती दी है हम पैदा हो गए हम यहाँ मौजूद है। हैं और इसीलिए इमाम मोहम्मद सलाम फरमाते फरमाते हैं हलिदीन क्या दीन मोहब्बत के अलावा कुछ है जो है जो हमारे है, जो हमारे बिलीव्स हैं हमारी आगाज है जो हमारा इख्तिताम है वो मोहब्बत है हुँ? इसी से ही शुरू होता है इसी पर ही ख़त्म होता है और यही वजह है कि अमीर अल-मुमिनीन फरमाते हैं फिर भागो फरार करो कहाँ से अल्लाह से अल्लाह तक इलाह राज आगाज अल्लाह है अंजाम अल्लाह है उसी की तरफ से आए हैं उसी की तरफ पलट कर जाना है और उस ख़ुदा ने जिसने ख़ुद को आगाज़ में और ख़ुद को अंजाम में रखा है दरमियान में अहल बैत का साया जो रखा है वो किस तरह हम ज्यारत जामिया कबीरा पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा मोतबर सबसे ज़्यादा खूबसूरत सबसे ज़्यादा मुस्तनद ज्यारत जाम खुदा क्या कहता है अहल बैत से बेकुम फ्ला व बेकुम यखम तुम्हारे लिए है जो कुछ है तुम से शुरू करता हूँ तुम पे ख़त्म करता हूँ बेकुमित वेकुम यमहू तुम से मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड में ले आता हूँ तुम जिसे चाहते हो उसे मिठा देता हूँ वो खुदा मोहब्बत के जरिए अपनी नुमाइंदगी अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है और उस चीज़ को हमारे तक पहुँचाता है वो फिर हमारे हाथ अहल बैत की मोहब्बत के तरीक़ आती है बस आगाज़ खुदा अंजाम खुदा दरमियान में जो खुदाई हस्तियाँ हैं वो मोहब्बत का पैकर फिर हमारे लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि हम उस खुदा की तरीके से तो नहीं खुदा से इजहार कर सकते या करते भी हैं तो वो इनफॉर्मल फॉर्मली जो वो हमें मुकल्फ़ करता है तकलीफ़ में ले आता है उस खुदा से हम मोहब्बत क्यों ना करें जिसने हमें ज़िंदगी दी और वो हर चीज़ का मालिक है उससे आगाज़ है उसी से अख्ताम है और उसने फिर हमसे कहा तुम करो मैं जजा दूंगा इन्वेस्टमेंट भी उसकी है प्रॉफिट भी उसका है मज़े हमारे हैं जो अयाशी है वो हमारी है क्यों क्योंकि उसने कहा है तुम्हारे अमल की जजा मैं दूंगा और हम क्या हैं हम कहते हैं उस खुदा ने सब कुछ हमें दिया ए जेड तक और उसके बदले में हम जो अच्छा करते हैं उसकी जजा खुदा हमें देगा वो हमें सवाब देगा और हम गुनाह करते हैं ना और देखिए मेरा और आपका मबूद क्या है वो क्या है वो कहता है याशी तुम्हारे हिस्से में फिर भी हम गुनाह करते हैं तो वो क्या कहता है हम क्यों ना मोहब्बत करें वो कहता है अना सत्ता मैं तुम पर गुस्सा नहीं होता अना रहमान और रहीम मैं तुम लोगों के ऊपर अजाब नहीं डालता मैं तुम्हारे गुनाह को लोगों के सामने खोल कर नहीं रखता वो खुदा बार बार अपने आप को रहमान और रहीम कह कर या क्यों ना मोहब्बत करे ऐसे मबूद से जिसने सब कुछ दिया एक रिवायत एक हदीस सुनाती हूँ कहते हैं जब कोई इंसान बालग होता है और बालग होने के बाद वो पहला गुनाह करता है और मलाइका देखते हैं तो हैरान होते हैं इसने गुनाह किया ऐ परवरदिगार सब कुछ तेरा इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी नाफरमानी कर रहा है खुदा कहता है अपने पर डाल दो इसको रिकॉर्ड में नहीं लाना माफ़ कर दो तो इसे छोड़ दो छुपाओ इसका गुनाह फिर उसके बाद वो दूसरा गुनाह करता है यहाँ तक के फरिश्ते कहते हैं फिर कर रहा है तो खुदा कहता है मैं सत्तारूब हूं नादान है ये मेरा बंदा इससे गलती होती है इसका गुना छुपा दो किसी को ना बताओ लिखना नहीं है ये नहीं उठा सकता गुनाह का बोझ यहाँ तक के फोर्टी टाइम्स चालीस दफा हमारे पहले चालीस दफ़ा जो गुनाह होते हैं अल्लाह उसे छुपाता है फ़रिश्तों से कहता है इसको रिकॉर्ड में नहीं लाना ये इतना अजाब ये मेरा गुस्सा ये अपनी नाफरमानी इसीलिए गुनाह की सही डेफिनेशन क्या है जुल गलम तो नफसी जो हम दो आए कमैल में कहते हैं यही है ना कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हम अजाब को बार बार दावत देते हैं और वो खुदा बार बार क्या कहता कहते हैं और फिर भी क्यों ना मोहब्बत करूं मैं उस खुदा से कि अगर फिर भी एक इंसान गुनाह करता रहे तो वो कहता है तुम दूसरे का गुनाह छुपाओ वो गुनाह जो तुमने फोर्टी से ज़्यादा कर लिए हैं मैं उनको छुपा दूंगा हदीस है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का एक गुनाह सित्र छुपाता है उसके ऊपर पर्दा डालता है अल्लाह उस बंदे के सत्तर हजार गुनाह क्यों ना हो उनके ऊपर पर्दा डालता है कि वो सत्तारूब है ऐसे खुदा से मोहब्बत करने का दिल चाहता है ना उसका तकर्रब अच्छा लगता है उसकी तरफ से दी हुई हर चीज को ऑन करके जैसा वो चाहता है वैसा रखना वरना अल्लाह के एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन यह सत्तारूब होना उसका इतना बड़ा लुत्फ है मेरी और आपकी इज्जत इसीलिए है माशरे में कि उस खुदा ने हमारी नेकी को तो फैला दिया लेकिन हमारे गुनाह के ऊपर पर्दा रखा हुआ है उस खुदा के तकर्रब के लिए हम अमल करते हैं दूसरी चीज जो नमत ने, ने दी है जो सबसे बड़ी सबसे अजीम है हिकायत है कहते हैं कि एक बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था अपने माँ के पेट में था जब उसे हुक्म हुआ इस दुनिया में जाओ तो कहते हैं उस बच्चे ने जाने से इनकार किया कहा नहीं जाना क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाहर जो दुनिया है उसके अंदर बहुत हैजट है मैं अकेला हूँ और मुझे अपने मबूद की आदत है परवरदिगार में अकेला कैसे इतनी बड़ी दुनिया में चला जाऊँ तो अल्लाह ने उसे तसली दी और कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता भेजूँगा जो तुम्हें कभी अकेला नहीं रखेगा वो हर वक्त तुम्हारे साथ होगा तो उस बच्चे ने कहा लेकिन मैं इस पेट के अंदर खेलता था हंसता था मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी मर्जी की मिलती थी तो अल्लाह ने कहा मैं एक फरिश्ता तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा जो तुम्हारे साथ खेलेगा हंसेगा तुम्हें खुश रखेगा तुम्हें कभी उदास होने नहीं देगा उसने कहा सिर्फ इतना नहीं मुझे जब भूख लगती थी तो मैं यहाँ खा लेता था अब मैं जाऊँगा तो मुझे मोहताज होगा मैं लोगों से मुझे मांगना पड़ेगा तो खुदा ने कहा मैं तेरे ऊपर रिस्क को ऐसे मुन करूँगा कि तू कभी भी भूखा नहीं मरेगा मेरा फरिश्ता बग़ैर मांगे तुम्हारा रिस्क लेकर दुनिया में आ जाएगा उसने कहा जाने वाली दुनिया की जबान नहीं जानता जहाँ जा रहा हूँ पता नहीं लोग किस जबान में बात करते हैं मैं कैसे अपनी ज़रूरत को लोगों को बताऊँगा तो अल्लाह ने कहा मैं एक फ़रिश्ता रखूँगा तू सिर्फ रोएगा तो वो फरिश्ता जैसे ही तेरा एक्सप्रेशन आएगा वो तो तेरी ज़रूरत को समझ जाएगा और तुम्हारी नींद नीट पूरी कर दी जाएगी उसने कहा सिर्फ इतना ही नहीं मैंने सुना है इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं कैसे इस दुनिया में चला जाऊं अल्लाह ने कहा मैं तेरे साथ एक फरिश्ता ऐसा करूंगा जो अपनी जान से ज्यादा तेरी जान की हिफाजत करेगा तेरी हिफाजत करने के लिए बड़े से बड़े खतरे को मोल लेगा उसके लिए सब कुछ तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा बच्चा खुश हुआ उसने कहा मुझे उस फरिश्ते का नाम बताओ जो ये सब कुछ मेरे लिए करेगा ताकि मैं सीधा उसके पास जाऊं तो जानते हैं अल्लाह ने क्या कहा कहा उसका कोई नाम नहीं उसे माँ कहते हैं हम तुम उसी की आगोश में जाओगे मैंने अपने अक्स को मैंने अपने हुसन को मैंने अपनी रहमत को उस माँ के अंदर डाल दिया है और वो तुम है हर वो चीज़ हर वो खदशा, हर वो खौफ जो तुम्हें लिए हुए है उससे तुम्हें आज़ाद करके तुम्हें प्रोटेक्टिवली इस दुनिया में बेहतरीन शक्ल में बढ़ाएगी बस वो खुदा जो हमें माँ देता है इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम जिस रब ने कर रखा है उस रब के तकर्रब का जी चाहता है उसकी मोहब्बत अच्छी लगती है उससे नज़दीक होना अच्छा लगता है और उसके लिए जी चाहता है कि किसी अमल को अंजाम दिया जाए किया जाए बस वो खुदा जो हमें मैं ज्यादा नहीं सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर आपने गुनाह किया उसने छुपाया जबकि जो कुछ था वो उसका था हमारे पास इस दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं था उसने अपना अक्स माँ को बना कर दिया नमतें यकीनन इससे बहुत ज़्यादा हैं जो अल्लाह की हैं बहुत ज्यादा है मैं तो सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रही हूँ क्या हम इन दो चीजों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं क्या हम इन्हीं दो चीजों के बदले में खुदा को कुछ दे सकते हैं सिवाय इसके कि हम कहें उससे बेहतर कोई मबूत कोई पैदा करने वाला नहीं तन सालिम कहें अक्ल कहें हिदायत कहें रहने के लिए घर कहें ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें वो तो बहुत माइनर सी हैं लेकिन उसने अगर माँ दे दी अगर उसने इज्ज़त के साथ हमारे गुनाहों का पर्दा रख लिया तो हमें जीने के लिए रास्ता मिल गया है और अल्लाह का ये इतना बड़ा लुत्फ़ है कि इसके बदले हमारे पास एक ही करज एक ही हौसला एक ही बात रह जाती है एक ही रास्ता कि हम उसकी जानब अपने सफ़र का आगाज़ करें उसकी जानब चल पड़े और जब हम उसकी जानब चलते हैं तो हमारे लिए खुदा कैसी है देखिए हमारी डिपेंडेंसी जब तक अल्लाह की ज़ात पर पूरे तवक्ल और तवसल के साथ नहीं होगी हम आगे पीछे देखते रहेंगे अगर हम सोचते रहें कि एक्स वाई जी हमारी मदद कर सकता है मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात करती हूँ हारून और रशीद अब्बासी खलफा में वो ही वॉज वन ऑफ द खलीफा कोई यजीद जैसा नादान नहीं था बहुत सियासत समझने वाला था और अल्लाह ने उसके मुकाबले में इतने वाइज खलीफा के मुकाबले में किसको रखा बहलोल बहलोल और हारून रशीद आप लोगों को जब वक्त मिले मैं अक्सर मदरसे कहती हूँ अच्छी कहानियां सुनाए बहलोल की कहानियाँ बातें जो स्पेशली हारून रशीद के साथ हैं वो इतनी लाइट इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत है ज़रूर इन्हें नकल किया करें अच्छा ये खलीफा अब्बासी है बहुत सारी इसकी हुकूमत है पावर है अथॉरिटी है एंजॉय कर रहा है ज़िंदगी को और वो मिलता है बहलोल दाना से और बहलोल से कहता है मुझे बता जन्नत में कौन जाएगा तो बहलोल कहते हैं अनल अपरार लफ़ी नईम व अनफुजार लफ़ी जहीम जन्नत की बात करते जहन्नम भी बता देता हूँ किसके लिए कि जो नेक अबरार यानी नेक पाएस्ट लुक जो हैं वो जन्नत में जाएंगे और जो फजूर फितना करने वाले हैं दूसरों पर जुल्म करने वाले हैं वो जहन्नम में जाएंगे उसने कहा अगर ऐसा है तो मैंने बहुत सारी नेकियाँ की मैंने कुएँ खुदवाएँ मैंने गरीबों की मदद की है मैं जिहाद करता हूँ और उसने कहा बहुत कुछ किया है बहलोल ने कहा इन नमाय तकब्लामत अल्लाह तकवा रखने वालों के अमल को कबूल करता है जो तकवा रखता है जो अल्लाह से डर के करता है ये जो तुमने किया तो तुमने अपनी पावर को समेट के रखने के लिए किया तुमने अपनी अथॉरिटी को किया है आया जो आवाम थी उसके ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो तुमने किया अगर तुम ये ना करते तुम बादशाह ना रहते उसने कहा यह ना कहो कि अल्लाह की अल्लाह जो है वो सिर्फ मुतकी का अमल कबूल करता है वो खुदा कहता है रहमती कुल कुल्लाश हमारे जैसे भी उसकी रहमत में आ जाते हैं बहलोल ने कहा अगर अल्लाह की रहमत की बात करते हो इन्ना रहमत अल्लाह करीबसन Allah की रहमत एहसान करने वालों के करीब है यानी एहसान करने वाला कौन जो देता है तो ये सोच कर नहीं देता कि ये मेरा फर्ज है ये सोच कर देता है कि मेरी ड्यूटी नहीं है कि बहुत थोड़ा सा है जो मैं कर रहा हूँ ये हकीर है जो मैं दे रहा हूँ मुझे इससे ज़्यादा करना हम्बली एक अमल को अंजाम दे रहा होता है उसने कहा अगर ऐसा है तो मैं एहसान करने वालों में से तो नहीं हूँ लेकिन मेरा हसब न, नसब जो है वो रसूल अल्लाह के कज़न इबन अब्बास से मिलता है तो मेरा शायद हसब नसब काम आ जाए इबन अब्बास शायद हमारी कोई सिफारिश कर दें तो जनाब बहलोल ने काफ़ा इदानफ़ सुर फलासा बबीन हम जब सूर फूक दी जाएगी जब क़यामत का आगाज़ हो जाएगा तो कोई हसब नसब कोई फैमिली कोई ख़ानदान कोई बाप दादा कुछ भी नहीं रहेगा उस दिन कोई इबन अब्बास की बात नहीं कर सकेगा कहा अगर ऐसा है तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे शफात दे कहा अगर शफात कहते हो तो खुदा में कहता है रहमान फायदा नहीं देती सिवाय इसके कि अल्लाह की तरफ से परमिशन हो अगर अल्लाह चाहेगा तो शफात फायदा देगी अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो शफात फायदा नहीं देगी बहलोल के सामने खलीफा आके बैठ गया कहने लगा फिर तुम ही अल्लाह से मेरी सिफारिश करो बहलोल ने कहा यही तो समझा रहा हूँ कोई किसी का नहीं है अपना अपना अमल है अपने अपने लिए करना है तो उसने कहा बहलोल से कि अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ देखिए ये वो जवाब है जहाँ मैं आपको ये सारी रिवायत सुना कर लाई जनाब बहलोल ने कहा तुम मेरी मदद करोगे ये सारी बातें जानते हुए कि ना हसब नसब है ना तुम्हारे पास एहसान करने का है और ना ही तुम्हारी ताकत काम आई ना अमाल तुम्हारे काम सब कुछ फिर भी तुम कहते हो तुम मेरी मदद करोगे एक कर्जदार दूसरे कर्जदार को कैसे कर्जा दे सकता है एक बंदा जो खुद मोहताज है वो किसी दूसरे मोहताज को कैसे दे सकता है इंसान के पास एक ही रास्ता रह जाता है वो ये कि अपने आप को अल्लाह के हवाले उसके सुपुर्द कर दे उसके हवाले कर दे चाहे वो हारून रशीद हो खलीफ वक्त अथॉरिटी वाला, कुदरत वाला पावर वाला बादशाह क्यों ना हो चाहे वो बहलोल दाना जैसा फ़कीर क्यों ना हो दोनों अल्लाह की पनाह में हैं किसी के पास किसी की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं और वो खुदा जो इन दोनों को अपनी पनाह में ले लेता है बादशाह को भी फकीर को भी एक वाइस को भी है और एक अपेरेंटली जो आ, बहलोल मजलून बने हुए दोनों को अपनी पनाह में लेता है तो वो खुदा वंदे करीम इंसान के साथ ऐसे हर तरह के इंसान के साथ क्या करता है वो परवरदिगार आलम एक बात बार बार कहता है जो मैं और आप अपनी ज़बान पर ले कर आते हैं बिसमान रहीम कि वो रहमान और रहीम है वो अता करने वाला है वो बख्शने वाला है और जब हम रहमानियत के अंदर जाना चाहते हैं तो उसकी एक ही कुंजी है वो ये कि हम खुदा की ज़ात के अंदर जब दाखिल हों तो अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दें और ख़ुदा के सामने हाज़िर हों जाविरबन अब्दुल्ल अंसारी उन उनबिये रसूल में से हैं उन उनबिये अमीर अलमिन इमाम हसन और इमाम हुसैन और इमाम मोहम्मद बािर में से हैं जिन्होंने सात आ इमां को दर्क किया है सबसे ज़्यादा माँ सुमीन के साथ वक्त गुजारा है जनाब जाबिर अंसारी, जिनसे हम हदीसी के साथ इन करते हैं जाबिर अंसारी को रसूल अल्लाह ने बशारत दी थी कि तुम मेरे फ़र्जन से जो मेरा हम नाम होगा उससे मुलाकात करोगे और उसको मेरा सलाम देना ये मशहूर रिवायत है और आप जानते हैं वो मुलाकात जो ज, जनाब जाबिर जानते थे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी मासूम से मुलाकात है इसके बाद मेरे पास जिंदगी नहीं रहेगी तो जनाब जाबिर ने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पॉटेंट सवाल इमाम से किया था कि इसके बाद तो मैंने मर जाना अल्लाह से मिलना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा खात्मा बिल खैर हो और मैं सही तरीके से खुदा से मुलाकात करूँ लिहाजा जाबिर ने कहा कि मेरे मौला मुझे कुछ नसीहत कीजिए तो इमाम ने फरमाया कि ए जाबिर इतने मासूमीन को दर किया तुम्हारा ईमान किस दर्जे पर है तो जाबिर ने अपना ईमान बताना शुरू किया कि मैं अल्लाह पर कितना ईमान रखता हूँ फरमाया मैं फ़ख्र गरीब रहने को पसंद करता हूँ अमीर रहने पर दूसरी चीज़ मैं बूढ़ा रहना पसंद करता हूँ जवान रहने पर मैं मौत को पसंद करता हूँ ज़िंदगी के ऊपर और मैं बीमारी को पसंद करता हूँ सेहत के ऊपर मैं मोहताजी को तरजीह देता हूँ मोहताजी को पसंद करता हूँ गैर मोहताज रहने पर इन पाँच चीज़ों को जिसको जाबिर ने पसंद किया हम में से कोई पसंद करता हम में से कोई चाहता है मोहताज रहे हम में से कोई चाहता है बूढ़ा रहे हम में से कोई चाहता है बीमार रहे हम में से कोई चाहता है गरीब हो जाए हम में से कोई चाहता है कि उसे आ जाए, का ईमान है कि वो उन चीजों से मोहब्बत करते हैं उन्हें पसंद करते हैं जो हम कहते हैं अल्लाह मोहताजी ना दे है ना हम कहते हैं अल्लाह चलता फिरता उठा ले अल्लाह सेहत के साथ उठाए हम एक दूसरे को दुआ देते हैं और कहते हैं अल्लाह कभी गरीब ना करे है ना मांगना ना पड़े ये सारी चीजें हमारे लिए और दर्जे किए जाबिर का दर्जा और था इतने आइम्मा को दर्क करने के बाद जब इमाम ने ये सुना तो पता है क्या जवाब दिया देखिए हमारा खुदा से ताल्लुक क्या होना चाहिए इमाम ने कहा है जाबिर आइमां मासुमीन को दर्क किया फिर भी ईमान अभी यहीं पर है फिर भी ईमान ऊपर नहीं आया जाबिर जईफ थे बूढ़े हो गए थे कदमों पे जाकर गिर गए पाँव पर पड़ गए और कहने लगे हैं मेरे मौला आपने मेरे सीने में आग लगा दी ये कहकर कि मेरा ईमान अभी भी अप टू मार्क नहीं है जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं आया आप मुझे तालीम दीजिए कि मेरा ईमान फिर क्या होना चाहिए देखिए अल्लाह के हुजूर मुझे और आपको कैसे जाना है आपने जवाब दिया फरमाया जाबिर तुमने कहा मैं मौत को पसंद करता हूँ मैं फ़खर को पसंद करता हूँ मैं बुढ़ापे को पसंद करता हूँ मैं मोहताजी को पसंद करता हूँ और मैं बीमारी को पसंद करता हूँ मैं अभी तक बाकी है यह मैं ख़त्म नहीं हुई इस मैं को ख़त्म हो जाना चाहिए था यह मैं बाकी ना रहती तुम उस स्टेज पर होते जहां तुम कहते जो अल्लाह मेरे लिए पसंद करे ये खुब है ये मोहब्बत है ये तक्रब की चाह है ये उसकी जानब कंजेक्टिवली बढ़ते रहने के लिए हर स्टेप के अंदर जो चीज है वो ये है कि मैं नहीं वो अल्लाह है ना वो अल्लाह मैं नहीं जात खत्म है फना है हीच है उसकी जात सब कुछ है और उस जात ने कमाल क्या किया है उसने कमाल यह किया है कि वो कहता है हरम Allah, फला हरम Allah, तुम अपने आप को मेरा कर दो मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिल में आकर रहूंगा मैं तुम्हारे वो खुदा जिसने काबा बनाया वो खुदा जिसने मस्जिद बनाई वो खुदा जिसने मस्जिद वो खुदा जिसने मस्जिद नबवी बनाई जिसने मक्का बनाया मदीना बनाया नजफ बनाया बनाई लेकिन अपना घर आपके दिल को बनाया तुम खुद को मेरे हवाले करो मैं तुम्हारे अपने आप को तुम्हारे हवा अबी का मिस्ली हदीस कुदसी खुद सी है फरमाते हैं बंदे मेरी इताअत करो मैं तुझे अपने जैसा बना दूँगा अन्ना हय यमूत अजअलुका हय ला तमूत मैं ऐसा है ऐसा ज़िंदा हूँ जिसे कभी मौत नहीं आती तुम्हें भी ऐसा ज़िंदा बना दूँगा तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी तुम हमेशा बाकी रहोगे वो खुदा इंसान के दिल में आकर बस जाता है इसीलिए बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि किसी ने कहा कि मेरा खाम ही ये ख्याल है कहीं दूर है वो हिजाब में खाम कहते हैं खाली खुली एमी मेरा खाम ही ये ख्याल है कहीं दूर है वो हिजाब में वो छुपा हुआ है यहीं कहीं मेरी ज़ात ही के हिजाब में उस खुदा को तलाश करने के लिए दूर नहीं आप ख़ुद को उसके हवाले करें ये मैं निकाल दें और उसकी मोहब्बत में रहें वो खुदा अपना खुल्क़ आपके वजूद में उतारेगा वो अपना वजूद आपके वजूद में उतारेगा वो अपना अक्स आपको अता करेगा वो अपनी मोहब्बत आपके सीने में डालेगा वो अपनी उल्फत से आपके इस सीने को चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे वो परेशान हो चाहे वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी में हो वो इसको पॉजिटिव कर देगा वो इस सीने को भर देगा वो इसके अंदर मोहब्बत रहमत अपने लिए और दूसरों के लिए डालेगा और जो कॉन्फिडेंस और एतमाद और तवक्ल और तवसल भरोसा आता है वो कमाल है वो कमाल है बस इतनी सी बात कहूँ कि जिसके दिल में खुदा के साथ ये कनेक्शन के ज़ात कुछ ना रहे वो खुदा रहे और वो खुदा कहीं ना मिले दिल में मिले तो ऐसा होता है कि अगर तीर चलते हुए आते हुए नज़र आए तो बंदा अपना सीना आगे करता है क्यों क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं कमजोर हूं वो ये नहीं समझता कि मेरा क्या होगा वो ये समझता है मेरा अल्लाह है क्यों इब्राहिम जब मिंजनीक और आग के दरमियान में थे मंजनीक जिससे उनको थ्रो किया था आग में फेंकने के लिए यहां से थ्रो किया दरमियान में थे जब्राइल ने कहा कुछ चाहिए मदद करूं तो कहा है ना वो करेगा मुझे जाने दो आग में और आप सब जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ अल्लाह ने उस इब्राहिम को अकेला नहीं छोड़ा वो मुझे और आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा अल्लाह ने अगर मूसा को दमे दरियाए नील उसके बिल्कुल पास अकेला नहीं छोड़ा तो वो आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा वही खुदा मूसा का था वही खुदा मेरा और आपका है हाँ नजरें हमने कितनी गाड़ी हुई हैं जानते हैं मूसा ने दरियाए नील के सामने अल्लाह से क्या दुआ की थी कहा था परवर दिगार मुझे वो दे जो तेरे साथ आसमानों में नहीं और तेरी साथ ज़मीनों में नहीं और फिर कहा परवरदिगार वो चीज़ जो सात आसमानों में नहीं और ज़मीन में किसी के पास नहीं वो तेरी मोहब्बत की तलब है फ़रिश्ते तो पहले ही अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नूर से बने जो तलब है जो डिज़ायर है वो तो मेरे पास है क्योंकि मैं तो आसमान पर नहीं मैं तो यहाँ एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में डाला गया हूँ लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मुझे वो दिया जाए जो ऊपर नहीं है वो यहाँ कल्बे में है अल्लाह ने कहा मोहब्बत देखना चाहते हो छड़ी मारो हम अपनी कुदरत दिखाएंगे और हम जानते हैं असा से किस तरह रास्ता खोल दिया गया ये मोहब्बत है कि जिसका एक औज ऐसा नजर आता है जो मैं आपको क्या समझाऊंगी अक्ल जिसके आगे हार मान जाती है हार मान जाती है हम सब जानते हैं अकद जनाब जिनब कुबरा की शर्त ये थी कि हर रोज हुसैन का चेहरा देखे किसी बहन ने कभी अपने भाई से ऐसी मोहब्बत ना की जैसी जैनब कुबरा ने अपने भाई सैयद तो शहदा से की ऐसी मोहब्बत है लेकिन उस भाई को अल्लाह पर कुर्बान करने के बाद देखें हस्ती क्या फना की है यानी मैं नहीं हूं ऐ परवरदिगार तू है हुसैन नहीं है तू है कि जसद उठाकर जैनब ने कुर्बान करने के बाद कहा परवरदिगार मेरा हुसैन कबूल कर ले मेरा हुसैन कबूल कर ले कौन कह रहा है जैनब कह रही है कितनी अजीब बात है यह है फना यह खुदा यह हलूल यह अपने आप को अल्लाह के नज़दीक अपनी हस्ती को भूलकर हर तवकुल तवसल भरोसा छोड़कर अपनी तमाम तर डिपेंडेंसी उसके हवाले कर देना और वो ख़ुदा अपनी रहमत के साय में जब ले लेता है तो फिर कोई ना फकीर रहता है ना कोई बादशाह रहता है ना कोई यतीम होता है ना कोई बेवा होती है ना कोई बे आसरा होता है ना कोई मुसाफिर होता है चाहे वो सरज़मीन करबला में मौजूद उनमें फरवा क्यों ना हो वो अपनी तनह दौलत को भी कुर्बान करने के लिए हाजिर होती है समझ आती है ना ये करज जो बीबियों की थी जो असहाब इमाम की थी उसका महवर व मरक़ उसके पीछे जो विजन था वो क्या था कहते हैं कि असर आशूर जब तमाम जानसारों ने अपनी जान कुर्बान की जनाब उम फर्वा ने अपने लाल से जनाब कासिम से कहा कि असिम अपनी जान को ख़ुदा पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ जनाब कासिम खदमत इमाम हुसैन में पेश हुए कहते हैं कि जब भी कोई शहीद जब भी कोई मुजाहिद इज्न जहाद लेने के लिए आता तो इमाम इज़्न दे दिया करते थे जनाब कासिम वो तनह शहीद हैं जो जब इज़्न लेने के लिए आए हैं तो इमाम ने इतना गिरिया किया इतना गिरिया किया कि असबर साबरी मेरे साबिर इमाम को गश आ गया अल्लाह जानता है अल्लाह जानता है हुसैन को कासिम से किस दर्जे की मोहब्बत थी किस कदर उनसे करते थे गश खा गए और इतना रोए जनाब कासिम कि वो भी गश खा गए ये वाहिद मौका है हुसैन लाशा अली अकबर पर गए बेहोश ना हुए लाशा -गासिम, जनाब -गासिम, अली असगर पर गए गश नहीं आया आपने अब्बास के शाने उठाए गश नहीं आया लेकिन जब कासिम ने कहा मुझे मरने की इजाज़त चाहिए तो मेरे मौला मेरे साबिर मौला को गश आ गया न जाने कैसे होश में आए अपने लाल के हाथों के उसके चेहरे के इतने बोसे लिए कि कहा है मेरे लाल ऐ मेरे यतीम फ़र्जंद मुझे मजबूर न कर मैं तुझे कत्ल की इजाज़त दूँ खैमे में जाकर अपनी वालदा के पास बैठ जाइए जनाब एक पलट कर आए और अपनी वालदा को तमाम अहवाल बताए बीबी ने कहा इससे कड़ा वक्त कभी मेरे ऊपर ना आया कि वक्त का इमाम तन्हा हो मैं उसके लिए नुसरत करना चाहूँ और वो मेरी मदद को कबूल ना करे फिर फरमाया कि मुझे आपके बाबा इमाम हसन मुशतबा ने कहा था कि मेरी मुश्किल तुम मुश्किल के वक्त मेरे इस रुके को खोल देना इसके अंदर तुम्हारी मुश्किल का हल मौजूद होगा लिहाजा वो ख़त खोला गया जब खत ख़ोला तो उसमें इमाम हसन मुशतबा ने सिर्फ़ इतना लिखा था ए मेरे भाई हुसैन जब तू नरगा आदा में होगा दशत तो सहरा होगा तेरा कोई नासिर व मददगार ना होगा तो मेरी नस्ल पाक में से सिर्फ़ एक शहज़ादा होगा जो तेरी नुसरत कर सकेगा खुदारा उसको रद्द ना करना जनाब कासिम दौड़ते हुए वो खत लेकर गए इमाम ने उसकी कराहत की उसको आँखों से लगाया सीने से लगाया उसका बोसा लिया और इसने जहाद दिया अल्लाह जानता है कल हुसैन पर क्या गुजरी जब एक यतीम को मौत के हवाले किया था बस इतना तारीख ने ज़रूर लिखा कि जनाब कासिम के साइज़ की ज़रा नहीं थी मुजाहिद का लिबास नहीं था लिहाजा ऐसे ही उन्हें घोड़े पर सवार कर दिया तलवार हमारे कर दी और मैदान की जानब भेजा हमीद बिन मुस्लिम जो यजीदी लश्कर में था वो लिखता है वो कहता है मैंने देखा कि खैम हुसैनी से एक तेरह से चौदह साल का बच्चा घोड़े पर बैठ कर आता है ये उसके जुमले हैं वो कहता है मुझे नहीं भूलता उसका चेहरा चांद की माल उसका चेहरा चांद की मानन था उसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था जिसका ऊपर का बटन खुला हुआ था उसके पाँव में जूता था जिसका एक तस्मा खुला था देखकर लगता था यती हारा अल्लाह जाने हुसैन ने ऐसे श... ऐसे नौजवान को किस तरह से दुश्मन की जानेब जाने की इजाज़त दी जो दुश्मन को चांद लगता है तो हुसैन को वो क्या लगता होगा वो जहरा को क्या लगता होगा वो फरवा को क्या लगता होगा अलगर जनाब कासिम ने घमसान की जंग की कहते हैं कि एक मकाम ऐसा आया जहाँ पर उमर इब्ने साद ने ऐलान किया कहा कि अगर कासिम को मारना चाहते हो तो चारों जानब से हमले करो चारों जानब से हमले किए गए जनाब कासिम अली के शेर की माल

मेरी मदद को आइए जानते हैं मदद को क्यों पुकारा था क्योंकि कासिम को लगा था वो घोड़े से गिरेंगे चचा की मदद लेंगे और दोबारा बैठ कर लड़ेंगे अभी वक्त शहादत नहीं कि मैं सलाम आखिर भेजूं अभी मदद चाहिए मदद मिल जाए तो दोबारा खड़ा हो जाऊंगा जैसे ही कासिम ने मदद मांगी में लिखा है हुसैन ऐसे आए जैसे उड़ता हुआ काम अपने शिकार की जाने आता है कभी इतनी तेजी से मकतल की जानब हुसैन को आते हुए ना देखा किसी ने जोर से कहा देखो हुसैन गैस में आ रहे हैं अपने कासिम को छोड़ा इधर के घोड़े उधर भागे उधर के घोड़े इधर भागे सुमे अस्पा में कासिम का अल्लाह जाने हुसैन जब पहुंचे कासिम की हालत क्या थी बस इतना मरसिया मेरे मौला ने तो जरूर कहा मेरी जान कासिम तेरे चचा के लिए बड़ा मुश्किल है तुमने अदरिक नहीं कहा मदद कहके बुलाया और मैं तेरी मदद ना कर सका हुसैन कासिम की मदद ना कर सका हुसैन कासिम की मदद ना कर सका ये कह के, के सीने से लगाया उस पामाल लाशे को सुए मक्तल लेकर चले गंजे शहीदा में एक जानेब कासिम का लाशा दूसरी जाने ली अकबर का लाशा अल्लाह कभी किसी बाप को ऐसा बेबस न करे अल्लाह कभी किसी को ऐसा मजलूम न करे अल्लाह की औलादों को सलामत रखे आपके घरों में खुशियों को रखे मेरे मौला गंज शहीद एक हाथ सीना अकबर एक हाथ सीना जनाब कासिम आसमान की जानिब से सर कर के कहो, एक मेरी शादी तो कबूल